Hello student, today I will explain SQL commands DDL, DML, DCL, TCL, DQL with example. What is DDL? DDL is data definition language or of the SQL commands that can be used to define the database schema. It simply deals with the description of the database schema and is used to create and modify the structure of the database object in database. कि आपके जैसे एग्जांपल कि आपने अपना कोई डाटाबेस बनाना कोई टेबल बनानी है तो वो क्रिएट करने के लिए आपका डीडीएल यूज होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कि आपकी टेबल किस साइज की होगी कितने इसमें कॉलम होंगे कितने रो होंगे क्या नेम होगा ये सब आपका टेबल के ऊपर जो वर्क होता है वो आपका डीडीएल है टेबल के अंदर ना हो के ओनली टेबल के बाहर बाहर जो काम होता हम जो भी हम कमांड क्रिएट करते हैं वो हमारा DDL होता है टेबल के ओनली बाहर बाहर नहीं कि टेबल के अंदर जैसे कुछ कमांड है आपकी क्रिएट जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड यूज होती है इज यूज्ड टू क्रिएट द डेटाबेस और इट इज ऑब्जेक्ट ड्रॉप जैसे आप टेबल को ड्रॉप कर देते हो टेबल को डिलीट कर देते हो इज यूज्ड टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस आप डेटाबेस में से अपनी टेबल को डिलीट करते हो तो आप ड्रॉप यूज करते हो कमांड ऑल्टर कि आप अपनी टेबल के ऊपर कुछ टेबल को बड़ा करना चाहते हो टेबल का साइज छोटा करना चाहते हो ओनली टेबल पर आप ऑल्टर करते हो वो आपका टेबल ऑल्टर कमांड यूज होता है ट्रंकेट सभी को रिमूव करना इज यूज टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल एक टेबल में से सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देना कमेंट इज यूज टू एड कमेंट इज टू द डाटाबेस डिक्शनरी रीनेम टेबल का रीनेम करने इज यूज टू रिमेन एन ऑब्जेक्ट एग्जिटिंग इन द डाटाबेस कोई भी टेबल का रीनेम करना ठीक है डीएमएल डीएमएल क्या आपका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज द एसक्यूएल कमांड दैट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा प्रेजेंट इन द डाटाबेस बिलोंग टू डीएमएल और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज And this include most of the SQL statement. DML क्या है जो आपकी टेबल है उसके अंदर आप अपना डाटा को कैसे क्रिएट इंसर्ट करते हो अपडेट करते हो डिलीट जो कमांड आप टेबल के अंदर यूज करते हो वो आपका DML होता है आपका जैसे इंसर्ट टेबल में कुछ इंसर्ट करना इज यूज टू इंसर्ट डाटा इन टू ए टेबल अपडेट इज यूज टू अपडेट द डाटा विद इन ए टेबल जो आपका पुराना डाटा है उसमें आपको कुछ अपडेट करना है जैसे किसी स्टूडेंट का पुराना फोन नंबर है तो और अब नया आ गया तो उस फोन नंबर को अपडेट करना रिप्लेस करना न्यू फोन नंबर से तो ये आपका अपडेट होता है इंसर्ट होता है कि आपका आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है और आप एक और स्टूडेंट आ गए तो आप उस टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे उस स्टूडेंट का डिलीट इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम ए डाटाबेस कि आप अपनी उस टेबल में से कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना तो आप डिलीट कमांड यूज करोगे DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या आप अपने डाटा को कैसे कंट्रोल करोगे DCL इंक्लूड कमांड सच एस ग्रांट एंड रिवोक विच मेनली डील विद द राइट परमिशन एंड अदर कंट्रोल ऑफ डाटाबेस सिस्टम कि आप अपने डाटा को कैसे कंट्रोल करोगे किस किस यूजर को आप अपने परमिशन दोगे और किस किस यूजर को आप परमिशन नहीं दोगे जैसे आपकी एक कमांड है ग्रांट ये परमिशन देने के लिए यूज होती है रिवोक कमांड आपके विड्रॉ यूजर परमिशन आप यूजर के परमिशन को लेने के लिए आप रिवोक कमांड यूज करते हो और परमिशन देने के लिए आप ग्रांट कमांड यूज करते हो TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL कमांड डील विद द ट्रांजैक्शन विद इन द डाटाबेस TCL कमांड कमेंट कमिट करना ठीक है जैसे आपने कुछ रिकॉर्ड आपका डाटाबेस में कुछ कमांड चल रही है तो आपको वही बंद करना तो आपको कमिट करके आप वही बंद कर सकते हो अपने ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना रोल बैक ए ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ एनी एरर अक्रेस ठीक है सेव पॉइंट कि आप जहाँ पर हो उस ट्रांजैक्शन को वहीं पर सेव करना सेट ए सेव पॉइंट विद इन ए
ट्रांजैक्शन, सेट ट्रांजैक्शन की आपने अपना करैक्टरिस्टिक फॉर द ट्रांजैक्शन कुछ करैक्टरिस्टिक आपने सेट की हुई है। DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज, DQL स्टेटमेंट आर यूज फॉर परफॉर्मिंग क्वेरीज ऑन द डाटा विद इन स्कीमा ऑब्जेक्ट। द पर्पस ऑफ DQL कमांड इज टू गेट सम स्कीमा रिलेशन बेस्ड ऑन द क्वेरी पास टू इट। जैसे आपकी क्वेरीज होती है आपकी, आपने कुछ सिलेक्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, SQL में जो कुछ क्वेरी चलती है आपकी, टेबल का रीनेम करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके यही यहाँ पर एक ही क्वेरी लिया सिलेक्ट, इसे यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डाटा बेस, कुछ टेबल में से, कुछ डाटा बेस में से कोई डाटा आपको लेना, तो आप सिलेक्ट कमांड यूज़ करते हो, ठीक है। Thank you guys.